सिंपलिसिटी एग्जाम। तो यहाँ पे अगर आप सभी ने हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, और एक छोटा सा बेल नोटिफिकेशन आएगा, वीडियो चल रहा होगा, यहाँ पे इस प्रकार का आइकन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है, थोड़ा सा रुकना है और एक छोटा सा बेल नोटिफिकेशन मिलेगा, उसको जो है आपको प्रेस कर लेना है। इससे क्या होगा कि आप सभी को हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त होगी। तो चलिएगा देखते हैं हम अपने आज के क्वेश्चंस, और वीडियो में कमेंट जरूर करते जाना अगर आपको जो है आते हैं क्वेश्चंस। और यहाँ पे सबसे पहले प्रश्न है हमारा, यहाँ पे पूछा जा रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्यूटर्स और बाह्य उपकरणों के बीच के संबंध को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो कंप्यूटर होता है, बाह्य उपकरण होते हैं जैसे कि हमारे हार्डवेयर डिवाइस भी जो है हमें कहा जाता है, हार्डवेयर उपकरण होते हैं। तो जैसे आपने कीबोर्ड जोड़ा, माउस जोड़ा, तो अन्य चीजें जो होती हैं उन्हें हम जोड़ते हैं, जोड़ने का जो हमारा संबंध होता है उस संबंध को जो है क्या कहा जाता है। तो वो होता है हमारा यहाँ पे बोर्ड, यानी कि आपका ये सही आंसर होगा। और यहाँ पे अगला प्रश्न हम देखते हैं, जोड़ कटा यहाँ पे लिखा हुआ है, गुणा विभाजन तर्क ऑपरेशन किस फॉर्म पर किए जाते हैं। तो आपने देखा होगा जब कंप्यूटर्स यूज करते हैं तो जो आपका यहाँ पे ऑपरेशन संक्रिया होती है यहाँ पे आपकी ऑपरेट करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे जो तर्क होता है तो यहाँ पे वो है ALU होता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, जिसका जो है पूरा नेम होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा क्या होगा, बी सही आंसर होगा। और इसमें आप क्या करते हैं, जोड़ घटाव गुणा विभाजन और तर्क जो ऑपरेशन होता है उसको परफॉर्म किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पे, तो पूछा जा रहा है यहाँ पे निम्न में से कौन सा प्राथमिक मेमोरी के रूप में उपयोग किया जाता है। तो देखिएगा यहाँ पे हम पूछ रहा है कि प्राथमिक जो मेमोरी के रूप में उपयोग किया जाता है, कार्ट्रिज ड्राइव है आपके पास, ऑप्टिकल डिस्क है, हार्ड डिस्क है। तो यहाँ पे आपको जो है क्या करना होता है, ऑप्शन के थ्रू हमको आंसर देना होता है। तो कार्ट्रिज टैप जो है आपको आपके सेकेंडरी मेमोरी में आएगी, क्योंकि आपको ने देखा होगा ऑप्टिकल डिस्प्ले और हार्ड डिस्क जो तीनों ही है आपके, तो यहाँ पे अलग से है आपका। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या, इनमें से कोई भी नहीं, प्राथमिक मेमोरी के रूप में जो है यूज नहीं किए जाते हैं। आपका हार्ड डिस्क भी हुआ तो वो भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अलग से हम यूज करते हैं, लगाते हैं हार्ड डिस्क में, क्योंकि लिथिक मेमोरी का रूप होता है। यहाँ पर पूछा जा रहा है हमसे इनमें से कौन सा आउट डिवाइस जो है नहीं है, तो प्रिंटर है आपके पास, कीबोर्ड है, मॉनिटर है, तो इसमें से जो हमको बताना है कि आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या है, कीबोर्ड है। कीबोर्ड क्यों है, इसका आपको ध्यान रखना होगा कि जो ऑप्शन है उन ऑप्शनों में से आपका क्या है, कीबोर्ड है। आप जैसे ही यहाँ पे क्या करते हैं, इनपुट करते हैं कीवर्ड में, तो इनपुट होता है आपका कीवर्ड, आपने कुछ प्रेस किया तो उसमें दबाते हैं तो वो आपका क्या होता है, इनपुट होता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, यहाँ पे प्रिंटर भी है आपका यहाँ पे, तो ये भी जो है आउटपुट होता है, ये भी आपको क्या देता है, प्रिंट देता है, बट यहाँ पे जो है ये जो है स्कैन करता है तो इनपुट भी आपका होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है आपको नीचे दिए गए विकल्प में से विषम शब्द को जो है चलिए, नॉर्टन है, ए स्कैन है, एम सी ए भी है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि आपके पास विषम जो है चुनना है, स्कैन भी आपका यहाँ पे जो है करने का प्रकार है, नॉर्टन भी यूज किया जाता है और एम सी भी। तो इस प्रकार यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, डी होगा। ऑप्शन को ज्यादा देखना है, ऑप्शन से आप वेरीफाई कर सकती हैं। तो यहाँ पे जो है हमारा आंसर क्या होगा, जो है आपका इनमें से कोई भी नहीं होगा, क्योंकि ये जो है तीनों से हैं, एक ही कार्य करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम, यहाँ पे एक ऑपरेटिंग सिस्टम है,
ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका यहाँ पे कौन है, इंटीग्रेट सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या सीडी रोम सॉफ्टवेयर है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो आप ऑप्शन से यहाँ पे बिल्कुल समझ सकते हैं कि आपका जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर यहाँ पे है, यानी कि आपका डी जो है सही आंसर होगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे 1 MB बराबर क्या होता है। तो 1 MB बराबर क्या होता है, ये आपको सभी जानते होंगे 1 MB। यहाँ पे जो है हमारा 1 MB जो है इस प्रकार से भी लिखा होता है, तो 1 MB बराबर हमारा होता है कितना, 1024 KB, है ना। तो 1024 KB होता है, और यहाँ पे अगर 1024 जो होता है हमारा क्या होता है, यहाँ पे 1024 MB होता है हमारे पास। इसकी जो है मैथ ऑपरेशन है, जिसमें आपका क्या है स्टोरेज का लूप होता है, जिसमें आपको जो है यहाँ पे बताया जाता है। तो 1024 MB होगा आपका जो है वो क्या होता है, 1 GB यहाँ पे आपका होता है, ठीक है। और यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, यहाँ पे आपका सी आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं हम, यहाँ पे प्रिंटर से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, प्रिंटर का रेजोल्यूशन मापा जाता है। तो रेजोल्यूशन आप यहाँ पे देख सकते हैं काय का है, प्रिंटर का है रेजोल्यूशन। तो यहाँ पे जो है नापा जाता है, तो ज्यादातर उसका जो आपने देखा हुआ डॉट पर इंच में होता है, क्या होता है डॉट पर इंच में होता है, यानी कि आपका DPI होता है, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में भी आ सकता है आपका प्रिंटर का रेजोल्यूशन जो होता है, और मेगाबाइट्स जो है आपकी कई होती है, हर्ट्ज है, इंचेस, डायलॉग्स जो कि आपके अलग है। और यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं हम, यहाँ पे तो ये जो है ऑप्शन में यहाँ पे क्या दिया है, एफ की जगह यहाँ पे क्या होना चाहिए था हमारा, बी होना, यानी कि आपका यहाँ पे क्या होगा, बी आंसर होगा। ऑप्शन से ज्यादा आपको देखना होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पे, हाँ प्रोग्राम्स की गति को बढ़ाने के लिए उपयोगिता की जाने वाली यूटिलिटी को क्या कहा जाता है। तो जो आपकी यूटिलिटी है वो आपको यहाँ पे बताना है, प्रोग्राम्स की यहाँ पे क्या बढ़ाता है, गति यानी कि जो है आपकी स्पीड को जो है क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो स्पीड में आप देखेंगे कि डिस्क फ्रेगमेंट जो होता है आपका यहाँ पे सही आंसर है, जो आपकी क्या करता है यूटिलिटी को जो है यहाँ पे बढ़ाता है। तो हमारा यहाँ पे ये ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे पूछा जा रहा है निम्नलिखित चार्ट में से कौन सा प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स पैक्स के लिए जो है बेसलेट सेल में शामिल होने की संभावना नहीं है। तो यहाँ पे जो है प्रेजेंटेशन जो है यहाँ पे कर रहे हैं, और प्रेजेंटेशन में जो है आपको देखा होगा बार है, टेम्परेचर है, पाई है। प्रेजेंटेशन यानी कि आपको किसी ग्राफ के थ्रू दे सकते हैं, ग्राफ में आपका जो है पाई आ जाता है, पाई में आपका कुछ इस प्रकार से होता है ना। तो वो आपने देखा होगा, टेम्परेचर है आपका, बार भी है यहाँ पे वो भी आता है, बट आपने देखा होगा कि लाइन जो है, लाइन आपका यहाँ पे प्रेजेंटेशन का जो मतलब चार्ट में से कौन सा प्रेजेंटेशन है ना, तो वो है लाइन का यूज यहाँ पे नहीं होता है, यानी कि हमारा सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे डी होगा। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन के थ्रू यहाँ पे देखना होगा। और अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे पूछा जा रहा है प्रिंटर जो प्रिंट एलिमेंट दबा कर आउटपुट का जो है उत्पादन करते हैं, और निरंतर पेपर की विपरीत स्याही रिबन को क्या कहा जाता है। यहाँ पे इसे अच्छी तरीके से पढ़ना है आपको, प्रिंटर जो है प्रिंट एलिमेंट दबाकर, है ना। तो इसमें जो है आपको देखना होगा वो क्या करता है, इम्पैक्ट प्रिंटर होगा, यानी कि ए जो है सही आंसर होगा। इसी प्रकार आपको जो है प्रिंटर है, प्रिंटरों के प्रकार पूरे पढ़ लेना, प्रिंटर में से जो है आपके पास प्रश्न जो है यहाँ पे ज्यादा आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे निम्न में से कौन सी बाहरी डॉस कमांड है।
तो बाहरी जो है डॉस की जो है यहाँ पे आपको क्या बताना है, कमांड बताना है। तो बाहरी जो है कमांड बताना, कॉपी है डेल है फॉर्मेटेड डी आई आर है ना। तो आपको उनका जो बाहरी है वो कौन सा है, यानी कि आपका यहाँ पे कौन सा होगा, सी होगा। फॉर्मेट आपका क्या होगा, बाहरी कमांड है डॉस का। और मैं सोच रहा हूँ कि डॉस की सारी कमांड्स जो है आपको एक साथ दूं, इससे आपको भी जो है सही तरीके से याद हो सके। अगला प्रश्न देखते हैं हम, यहाँ पे पूछा जा रहा है वर्चुअल मेमोरी है। तो वर्चुअल मेमोरी है आपको ऑप्शन में पढ़ना है, ऑप्शन में पढ़ने के बाद जो है आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे जो है आपको देख सकते हैं मुख्य मेमोरी का हिस्सा केवल शॉपिंग के लिए है। एक तकनीक जो मुख्य मेमोरी के आकार से अधिक आकार के प्रोग्राम को चलाने की अनुमति देता है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में उपयोग की जाने वाले सेकेंडरी स्टोरेज का हिस्सा है। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या, मुख्य मेमोरी का हिस्सा केवल सॉफ्टवेयर के लिए जो है उपयोग होता है, यानी कि हमारा ए आंसर सही होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है वर्ड दर क्या है। तो वर्ड दर क्या है हमारा, यहाँ पे आपको जो है बताना है सबसे कम और उच्चतम फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिटेड के बीच का अंतर है, या ट्रांसमिशन की कैपेसिटी है, या चैनल की ट्रांसमिशन स्पीड है। तो यहाँ पे जो सही आंसर वो है आपका क्या, चैनल की जो है ट्रांसमिशन स्पीड है, वर्ड दर है ना, ये आपको ध्यान रखना होगा। वर्ड दर क्या है आपका, चैनल की ट्रांसमिशन स्पीड यहाँ पे है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, यहाँ पे आपने देखा होगा कि आपको ईमेल का ये क्वेश्चन जरूर मिलता है, तो कौन सा ईमेल पता का एक उदाहरण है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं HTTP है लगा हुआ है, जो कि यहाँ पे ब्लू कलर दिखाई दे रहा है, यानी कि आपका यहाँ से कॉपी किया हुआ क्या है, वो आपका यहाँ पे वेबसाइट का है। और इसके लिए कंट्रोल प्लस की यूज जो है शॉर्टकट की डी है, यहाँ पे स्लैश लगा हुआ है, तो ये भी नहीं हो सकता, josmart@billme.com। तो यहाँ पे जो है ये दिया है आपका, यहाँ पे भी स्लैश दिया हुआ है, तो ये भी जो है आपका यहाँ पे रॉन्ग होगा। तो सी आपका जो है यहाँ पे सही होगा, यानी कि आप देख सकते हैं आपका सी आंसर होगा। हाँ, इसमें आपका जो है नंबर भी यूज किया जाता है, उसका भी आपको ध्यान रखना होगा, है ना। इसके पहले हो सकता था कोई नंबर होता या 1 2 3 होता, तो रेट होता यहाँ पे। और हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न, इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि डिस्क से जो है क्लिप आर्ट चित्रों को डिस्क दस्तावेज फाइल जो है यहाँ पे डालने के लिए, दस्तावेज में डालने के लिए निम्न विधि का उपयोग किया जाता है। तो वह है हमारा यहाँ पे क्या, जैसे आपने देखा होगा कि जो डिस्क है क्लिप आर्ट आपने निकाला होगा, क्लिप आर्ट में जो आपके चित्र होते हैं, तो चित्रों को डिस्क दस्तावेज में डालने के लिए निम्न विधि का उपयोग किया जाता है। तो हम जो है यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, और इंसर्ट फाइल कमांड का यूज करके जो है हम यहाँ पे डाल सकते हैं। तो आपका यहाँ पे डी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा स्प्रेडशीट डाटा का जो है विश्लेषण करने के लिए इनमें से एक उपकरण नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, डेटा का जो है विश्लेषण करना चाहते हैं, और डेटा का विश्लेषण करने के लिए जो है आपका यहाँ पे मेल मर्ज जो है यहाँ पे उपकरण नहीं है। गोल सीकिंग के द्वारा, सॉर्टिंग के द्वारा, वाइड इफ एनालिसिस करने के द्वारा जो हम ये कर सकते हैं, बट यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होगा, सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम, यहाँ पे कंप्यूटर पोर्ट का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे देखिए अपने को फर्स्ट क्वेश्चन में बात की थी हमने पोर्ट के बारे में, जो कि आपका क्या होता है, अन्य चीज को जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए जो है यहाँ पे होता है, अन्य कंप्यूटर पेरिफेरल्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, पेप्सी फाइल डाउनलोड करने के लिए, सभी हार्ड ड्राइव के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, एक साथ कंप्यूटर कनेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए अन्य कंप्यूटर पेरिफेरल्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, जो हमारी अन्य चीजें होती हैं वो पेरिफेरल्स में जो है यहाँ पे आती हैं। तो ये जो है हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा। और यहाँ पे देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न अपना, पूछा जा रहा है यहाँ पे कौन सी फाइल केवल ग्राफिक्स फाइल, यहाँ पे लिखा हुआ है कौन सी फाइल केवल ग्राफिक्स
फाइल की एक्सटेंशन को इंडिकेट जो है यहाँ पे करता है, तो वो है आपका बीएमपी एंड जीआईएफ। यहाँ पे ग्राफिकल्स फाइल्स यहाँ पे बोला है, तो जीआईएफ है आपका ग्राफिकल है यहाँ पे, तो वो आप यहाँ पे समझ सकते हैं। और यहाँ पे सही आंसर क्या होगा आपका, यानी कि डी सही आंसर होगा। और अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि गुणा अंकगणितीय ऑपरेटर को निम्नलिखित प्रतीकों में से किस संकेत द्वारा दर्शाया जाता है। तो देखिए गुणा जब हम करते हैं तो कंप्यूटर में वो है आपका स्टार मार्क होता है, जिसे हम क्या है गुणा का रूप जो है यहाँ पे देते हैं, तो आपका यहाँ पे सी आंसर होगा। और ये आपको एक्स का यूज नहीं करना है, ये क्रॉस के लिए यूज होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा क्रॉस है, तो और अन्य चीजों में भी हो सकता है ना, स्लैश का यूज करते हैं हम लोग किसी अन्य चीजों को लिखने के लिए, ये जो हमारा ऊपर का जो है निशान है। यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण जो है नहीं है, तो सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है, तो एंटीवायरस प्रोग्राम आपका एक सॉफ्टवेयर होगा, स्क्रीन सेवर प्रोग्राम आपका सॉफ्टवेयर होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपका यहाँ पे उदाहरण जो है नहीं होगा, यानी कि ये जो है क्या कर रहा है ऑपरेट कर रहा है, एमएस वर्ड जो है आपका एक सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही काम करता है, तो यहाँ पे जो है आपका भी सही आंसर होगा। और अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे पूछा जा रहा है यहाँ पे हार्ड डिस्क दोनों तरफ से लेपित होती है, तो ये जो है आपके हार्ड डिस्क को लेपित के रूप में पूछा है, तो हार्ड डिस्क आप सभी ने देखा होगा, और ये जो लेपित होती है दोनों तरफ से वो होती है आपकी मैग्नेटिक मेटेलिक ऑक्साइड से जो है यहाँ पे लेपित होती है, दोनों तरफ से लेपित होती है, आपको इस बात का ध्यान रखना है, कार्बन लेयर की नहीं होती है, ऑप्टिकल मेटेलिक ऑक्साइड की नहीं होती है, ऊपर की शेल जो भी आपका रॉन्ग होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे पूछा जाता है आपसे कंप्यूटर प्रोग्राम के बारे में कौन सा कथन मान्य है, तो यहाँ पे कंप्यूटर द्वारा समझा जाता है और उपयोगकर्ता द्वारा समझा जाता है, यह प्रोग्रामर द्वारा समझा जाता है, तो यहाँ पे जो है आप वो देख रहे होंगे कि यह कंप्यूटर द्वारा समझा जाता है, तो ये बात जो है हमको कुछ वैसे लगती है अलग से, मतलब कंप्यूटर खुद समझ सकता है कि नहीं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उपयोगकर्ता द्वारा समझा जा सकता है और यह प्रोग्राम द्वारा समझा जा सकता है, यानी कि आपके दोनों सही हैं, तो यहाँ पे जो है हमारा डी ऑप्शन सही होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, इसमें पूछा है आपको सीडी रोम का फुल फॉर्म क्या है, तो ये क्वेश्चन जो है पहले भी शायद मैं करा चुका हूँ यहाँ पे, और ये क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट भी होता है, तो ये देख रहे होंगे आपको इसका जो है पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी जो है यहाँ पे इसका पूरा नाम है, यानी कि आपका डी आंसर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर का क्या काम होता है, जैसे हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर में कई सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं, तो उसमें जो हमारा क्या काम होता है, तो यहाँ पे देखिएगा हार्डवेयर मशीन की क्षमताओं को जो है बढ़ाना होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की गति को बढ़ाना होता है, यानी कि ये हमारा क्या है सीपीयू है, सीपीयू को जो है कंप्यूटर का ब्रेन या मस्तिष्क भी कहते हैं, या फिर ये दोनों है ए और बी दोनों, तो यहाँ पे देखिएगा सही आंसर वो है आपका हार्डवेयर मशीन की क्षमता को जो यहाँ पे जो है बढ़ाता है, हमने सॉफ्टवेयर कुछ यूज किए होंगे तो उसमें आपका करता क्या है वो आपके हार्डवेयर की क्षमताओं को जो है यहाँ पे बढ़ाता है, इसका आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे ये आंसर होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के साथ, फिर हाजिर होंगे 7 बजे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, मिलते हैं प्रीवियस जो पेपर है उसके साथ भी।